बहन अमर कौर। हाँ मेरे भाई भगत सिंह। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, क्या कोई खुशी का पैगाम तुम लेकर के आई हो जेल के अंदर, या कोई दुख विपदा की कहानी सुनाने के लिए मुझे आई हो? जेल के अंदर क्यों कराना हुआ मेरी बहन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मेरी भाई भगत सिंह, मैं जेल के अंदर कोई फरमान लेकर तेरे पास नहीं आई हूँ। तेरी ये बहन अमर कौर तुझसे मिलने के लिए आई है और तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आई है। मेरे भाई भगत सिंह, तूने जो ये बीड़ा उठाया हुआ है देश आजाद कराने का, इस बीड़े को छोड़ और मेरे साथ गांव चल। सभी लोग तेरी बाढ़ देख रहे हैं और तेरी ये बहन अमर कौर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। चल मेरे भाई मेरे साथ। नहीं बहन अमर कौर, मैं हरगिज भी वापस नहीं जा सकता। लेकिन क्यों मेरे भाई? क्योंकि मैंने एक कसम खाई है, मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं अपने भारत देश वतन को तब तक आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक आजाद नहीं देख लूंगा, तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। चाहे अंग्रेज मुझे कत्लेआम क्यों ना करा दे, मुझे फांसी पे क्यों ना चढ़ा दे, मैं वापस नहीं जा सकता बहन। लेकिन मेरे भाई अमर भगत सिंह, जितने भी गांव के लोग हैं, जो हमारी माँ है, सभी लोग तेरी बात देख रहे हैं। इस जीत को छोड़ दे और मेरे साथ घर चल, क्योंकि तू अकेला इस देश को आजाद नहीं करा सकता। तेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी देश को आजाद नहीं करा पाए। इसलिए कहती है तेरी बहन अमर कौर, इस जीत को छोड़ और मेरे साथ घर चल। नहीं बहन अमर कौर, तुम कहती हो कि तेरे जैसे इस मातृभूमि पर कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग मर गए। हाँ मेरे भाई। लेकिन वो अपनी भारत माता को आजाद नहीं करा पाए। अरे ऐसे लोगों को धिक्कार है जो अपनी मातृभूमि को, जो भारत माता को गुलाम देखता होगा। मैं हरगिज भी गुलाम नहीं देखना चाहता, मैं आजाद देखना चाहता हूँ। तो मेरे भाई भगत सिंह मेरी बात सुन। कहिए बहन अमर कौर, क्या कहना चाहती हूँ? जब आवेगा भगत सिंह त्योहारी हो, मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसी के हाथ में। ये देश ते जुड़ा है बहन प्यार गो, ओ पे पे क्यों घबरावे, भारत रहेगा तेरे साथ में। तो मेरी बात सुन ले मेरे भाई बहन अमर कौर, जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो, वो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ। ओ बहना देश ते जुड़ा है मेरा प्यार हो, होके मैं क्यों घबराई, भारत रहेगा तेरे साथ में। हेलो हेलो, झूल
होगा। गांव गली सब कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न में देश की कातर जान गवा दे उसे ही कया जा शेर। हसी खुशी तू तो हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों नहीं सहतेर। हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों नहीं सहतेर। झीले ना किसी में ऐसी मां भारत रहेगा तेरे साथ में। बहन अमर कौर, ये हर बहन का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होकर के मेरा जग में नाम रोशन करे, मेरी सहायता करे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। सुनना चाहता है कि माँ का सपना क्या है? लेकिन उस माँ का सपना मैं इस जन्म में तो पूरा नहीं कर सकता। अगर मेरी माँ का परमपिता परमात्मा से नाता अच्छा और सच्चा होगा, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरी माँ की कोख से दोबारा जन्म लेने का, तो अगले जन्म में अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूँगा। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह, जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहा है, देश को आजाद करा रहा है, और ना तो वो अब जो मेरा भाई भगत सिंह है ना तो मेरे लिए भाभी ला सकता, ना मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी दुल्हन लेके आ सकता, तो माँ के ऊपर क्या बीतेगी मेरे भाई? इस जिद को छोड़ दे तू मेरे भाई, छोड़ दे। हे बहन अमर कौर, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी माँ का एक सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एक सुंदर सी दुल्हन लेकर के आएगा। हाँ, और तुम्हारे लिए एक भाभी लेकर के आएगा मेरा भाई। लेकिन अब सुंदर सी दुल्हन और सुंदर सी भाभी कौन लेके आएगा मेरे भाई? आएगा तेरा भाई, वापस जरूर आएगा। सजनो, ए मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, अगर भगत सिंह की ये बात अच्छी और सच्ची लगे तो ताली बजा करके समर्थन कर देना बुजुर्गों। भगत सिंह ने यूं कह दिया कि बहन अमर कौर, मैं अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी दुल्हन लेकर के आऊंगा, और वो दुल्हन कैसी होगी उसका नाम जानना चाहोगी बहन अमर कौर? हाँ मेरे भाई। उस दुल्हन का नाम होगा आजादी। आजादी रूपक भाभी हर घर में लेकर के आएगा ये भगत सिंह। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। मेरी बात सुन मेरे भाई। कहिए बहन अमर कौर, क्या कहना चाहते? बैठी मेरा बूढ़ा पकड़ जा जानू तुझसे आस लगाए। बैठी
आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार हो भारत रहेगा तेरे साथ में। कैसी बात करती हो बहन अमर कौर, ऐसी छोटी सी बात वो कौन सी है मुझे बताइए। मेरे भाई भगत सिंह, हाँ, जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है, बिल्कुल सुनाई है, उस हाकिम से एक बार अपनी बहन को मिला दे। जिस हाकिम ने मुझे सजा सुनाई है उस हाकिम से मिलना चाहती हूँ। मैं वजह पूछना चाहता हूँ, क्यों? वजह ये कि तेरी ये बहन अमर कौर उस हाकिम के हाथ जोड़ेगी, पैर पकड़ेगी, झोली फैलाकर भीख मांगेगी। बहन अमर कौर, ऐसा मैं हर किसी भी नहीं होने दूंगा। तू एक शेर की बहन है और शेर की बहन उन गोरे अंग्रेजों के सामने जाकर के माफी मांगेगी। हाँ, माफी मांगूंगी, फरियाद करूंगी कि
मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दे, चाहे बेशक से मुझे फांसी लगा दे, लेकिन मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दे। ऐसा हर किसी भी नहीं होने दूंगा, और मैं गोरे अंग्रेजों के सामने हार मानने वाला नहीं हूँ। और तू माफी मांगने की बात करती है, अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता जो अपनी भारत माता का गद्दार होता है। ये भगत सिंह ना तो उन गोरे अंग्रेजों का गुलाम था, और ना है और ना रहेगा, और ना ही अपने भारत देश का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह, मेरा नाम भगत सिंह है, तेरी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तू ऐसे ही मर जाएगा, कोई नहीं सुनेगा तेरी फरियाद। सुनेगा नहीं? सुनेगा, परमात्मा सुनेगा। तो सुन मेरी बात, कही अपनी बात, क्या कहना चाहते। भारत रहेगा तेरे साथ।